हर वर्ष मॉनसून में फैलने वाली बीमारियों डेंगू मलेरिया सहित मक्खी मच्छर जनित रोगों के चलते आम जनता को जूझना पड़ता है, लेकिन इस बार पड़ रही भीषण गर्मी के चलते अभी से शहर में मक्खी मच्छर पनपने लगे हैं, जिसके चलते नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। स्वास्थ्य विभाग की टीम पिछले बार के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए ज्यादा संवेदनशील इलाकों पर विशेष नजर रख रही है और डेंगू और मलेरिया की स्क्रीनिंग सहित घरों का स्थलीय निरीक्षण कर रही है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज कांडपाल और डॉक्टर नवीन चंद्र तिवारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर नवीन चंद्र तिवारी ने बताया कि चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया, टाइफाइड, डायरिया से फाइट करने के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। दवा का छिड़काव सहित ही सैंपल कलेक्शन के लिए आशाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, जो ये जो बीमारियां हैं ये मेनली बरसात होने के बाद होती हैं, क्योंकि जब पानी इकट्ठा होने लगता है, मच्छर के लार्वा पैदा होते हैं, मच्छर बनते हैं, तो बीमारियां फैलती हैं। लेकिन हमारे द्वारा इसकी तैयारियां पहले से ही कर ली है। वर्तमान में भी हमारे द्वारा वार्ड एक से और वार्ड 60 में, मतलब एक रूटीन में हम फॉगिंग कर रहे हैं। जहां जहां से हमें शिकायत मिल रही है हम वहां पर ही फॉगिंग कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में अभी तक कोई भी ना तो डेंगू का कोई केस मिला है, ना कोई चिकनगुनिया का मिला। जिले का जो हमारा जो डिपार्टमेंट होता है मलेरिया वाला, उसके जो एंटोमोलॉजिस्ट होते हैं वो उन जगहों में जा रहे हैं, वहां जाके घर घर में जाके वहां पानी की जाँच कर रहे हैं, लार्वा देख रहे हैं। जैसा कि हमको पता है हर साल की तरह इस बार भी जो है हम लोग पूरी तैयारी में जुटे हैं। इस संबंध में हमारे जो DSO हैं, डिस्ट्रिक्ट सदन अफसर डॉक्टर मनोज कांडपाल और उनकी जितनी टीमें हैं, उन टीमों को हमने पूरे क्षेत्र में लगा रखा है और आज ही जितनी हमारी इकाइयां हैं उन इकाइयों को हम डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड और ये हैजा जो है फैलता है पानी, दूषित पानी के कारण, इसके लिए संबंध में सभी इकाइयों को हमने आज पत्र भेज रहे हैं।